बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानहु आपको खुश व खुर्रम रखे। मेरे नाज़रीन, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके साथ अब व्लॉग भी मैं इंशाअल्लाह शेयर किया करूँगा। अल्लाह ताला ने मुझे स्टिक दे दी, आप देख रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। मैं एक स्टिक भी ले आया हूँ ताकि मैं व्लॉग बना के अपने दोस्तों के साथ शेयर करूँ। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके साथ अच्छे अच्छे व्लॉग शेयर किए जाएंगे, जिसमें खुसूसन मैं आपके साथ इस्लामी व्लॉग शेयर करूँगा। जैसा कि आज जुम्मा का दिन है, आपको पता है, तो जुम्मे के लिहाज से मैं आपके साथ ये डिस्कस करूँगा। मेरे नाज़रीन, पहले तो आप देख रहे होंगे मैं छत के ऊपर बैठा हूँ, अपने घर के छत के ऊपर हूँ। आपको पता है कि मौसम थोड़ा चेंज हो गया, अब गर्मी इतनी नहीं है, लेकिन गर्मी है। तकरीबन 8-9 बजे तक तो यानी गर्मी नहीं होती, जब 8-9 बजते हैं उसके बाद जब सूरज थोड़ा सा आगे आता है तो फिर गर्मी बढ़ जाती है, मौसम भी चेंज हो रहा है। तो जुम्मा के दिन की फजीलत अगर आप देखते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसके बारे में बड़ी ताकीद फरमाई है। जुम्मा का दिन के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सरदार दिन है दिनों का मुसलमानों के लिए। एक जगह तो आपने इसको ईद भी फरमाया। तो जुम्मा के दिन करना क्या चाहिए? जुम्मा के दिन हमें ये करना चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे भी यहाँ देखे बाल बड़े हुए हैं, ये देखें यहाँ से भी बड़े हैं और मूँछों के भी बाल बड़े हैं। तो ये मूँछें जो होती हैं, इसको या जो अपने आपके होंठ है इससे नीचे नहीं आना चाहिए, इनको कटवाना चाहिए। और यहाँ भी बाल कटवाने की इजाज़त है, और इसके अलावा अगर आप छोटे करवा सकते हैं गर्दन से जो बाल है वो भी, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज मैं करवाऊँगा। मैंने कहा आपके साथ थोड़ा व्लॉग शेयर कर लूँ। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने नाखून तराशने हैं। हफ्ते के बाद आपने नाखूनों को ज़रूर तराशें, अगर आपके नाखून बड़े हैं तो इनको आपने तराशना है, ये नाखूनों को। और उसके बाद जो बालिग हज़रात हैं उनके ज़ेर नाप बाल होते हैं, और यानी कि ये बगलों के अंदर भी होते हैं, इनको भी आपने तराशना है। और उसके बाद हमें हुक्म ये है कि हमने ये करना है कि जुम्मे की तैयारी ये है कि हमने नहाना है, नहा के उसके बाद साफ़ कपड़े पहनने हैं। साफ़ कपड़ों से मुराद ये है कि जो आपको मुयसर हो, उसका मतलब ये नहीं होता कि आपने बिल्कुल नया सूट ही पहनना, जो आपके पास है, जो अल्लाह ने आपको दिया हुआ है, तो उसको आपने धो के साफ़ करके पहन लेना है। और अल्लाह ने आपको हिम्मत दी है खुशबू की, तो खुशबू भी लगा लें। अगर खुशबू के बाद आपके पास सुरमा भी हो तो वो भी लगा सकते हैं, तेल लगा सकते हैं। तो आधा पौना घंटा पहले यानी कि आप पहुँच जाएँ मस्जिद के अंदर और जुम्मा अदा फरमाएं। और जुम्मे के बाद फिर अपनी दूसरी एक्टिविटी जो है, आपने कहीं जाना है, छुट्टी है आपको, आप किसी दोस्तों के यहाँ, आप किसी रिश्तेदार के यहाँ भी जा सकते हैं, या आपकी मर्ज़ी है। ये मेरी छत है, आप देख लें, ऊपर बैठा हूँ फ़िलहाल मैं। पहला व्लॉग मैंने अपनी छत से शुरू किया है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अच्छे अच्छे व्लॉग बना के आपके साथ शेयर करूँगा। तो उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके साथ इंशाअल्लाह अच्छे और मुख्तसर व्लॉग मैं आपके साथ शेयर किया करूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।